ये कर रहे तो 10-10 हज़ार रुपए बीएमसी लोन किस बात का दे रही है हाथ गाड़ी वालों को? अच्छा नहीं लग रहा है सर, गरीबों के पेट पे लात मारे जा रहे हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर, महानगर पालिका का क्रूरता और जालिम भरा चेहरा आज आप नया नगर में देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से और क्रूरता से यहाँ पर गरीब हॉकरों के ठेलों को, हाथ गाड़ों को तोड़ा जा रहा है। इस बारे में हमने जो मनपा के अधिकारी, जो पूरी टीम यहाँ पर पुलिस बल के साथ में है, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे कतराते रहे और उन्होंने हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि किसके कहने पर यह कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ नाम लिया जा रहा है कि मनपा आयुक्त के कहने पर यह कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय नगर सेवक यहाँ से नदारा थे, उनके फ़ोन लगाए जा रहे हैं लेकिन वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चले गए, सिर्फ वोटों के टाइम ही लोगों के घरों पर जाके दस्तक देते हैं। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि एक मरतबा फिर नज़र मारे कि किस बेरहमी से और क्रूरतापूर्वक ये महानगर पालिका की कार्रवाई है। इस कार्रवाई के दौरान सभी अधिकारियों को साथ में लिया गया है, यहाँ पुलिस बल को भी साथ में लिया गया है। लिखित रूप से किस प्रकार का ऑर्डर है ये बताने के लिए किस अधिकारी कहने के लिए तैयार नहीं है। देख सकते हैं आप, इस पूरे मामले में हमने जब जो हॉकर्स है उनसे बात की, क्या कहना था उनका, किस तरह से उनका जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के बारे में उनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। बिल्कुल गलत रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद में हम लोग जॉबलेस हो गए, अभी रोड पे धंधा लगा रहा है, लेकिन रोड के बाहर लगा रहा है, लेकिन ये तो फुल्ली दादागिरी है। अगर आदमी अगर आज जॉबलेस हो गया, रास्ते पे का धंधा नहीं करेगा, तो क्या करोड़ों रुपया लेके मॉल खोलेगा क्या? जब बड़े बड़े आदमी जॉबलेस हो गए, अभी रास्ते पे हम लोग धंधा कर रहे थे, तो ये तो फुल्ली दादागिरी है। तो ये बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात क्या है, ये देखिए अभी क्या हो रहा है, जो नुकसान किया जा रहा है सब तोड़ने का, जो तो वही वार्निंग दे सकते हैं जो भाई रास्ते से साइड निकल जाओ, लेकिन ऐसा तोड़ना बोले तो बहुत भारी काम है, और सीधा पेट पे लात मारना बोले तो। आपके नगर सेवक नहीं है यहाँ पर? अभी नगर सेवक कौन है, हम लोग थोड़ी पॉलिटिशियन है, हम लोग तो आम पब्लिक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर उनको वोट देते हैं, उनका काम है ना मुसीबत के समय आपके साथ में खड़े रहना। तो अभी देखिए, बड़े बड़े लीडर मुसीबत में नहीं आते, नगर सेवक तो छोटी चीज़ है, समझ के बाहर है। लोगों के लिए था ये मार्केट, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई होती है तो इसे निंदनीय है। और गरीब आदमी पे हथौड़ा चलाना, इनको एक मार्केट अलॉट करके दो अगर ऐसा कुछ है तो। नुकसान जो किया जा रहा है, जो तोड़ने का नहीं, नुकसान हो रहा है, गरीब की भरपाई कहाँ से करेगा, लॉकडाउन ऊपर से ये कैसे बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं लॉकडाउन में आएगी तो हाँ? और उनको परेशान किया जा रहा है, बेचारों का काम धंधा कैसे गाँव से आए रिटर्न। सरासर पालिका की दादागिरी है ये, गरीब लोग लॉकडाउन में खाने कमाने के वादे चल रहे हैं, ट्रेन बंद है, काम पे आदमी जा नहीं सक रहा है, उसके बाद में ये सब कार्रवाई हो रही है, इसका भरपाई कौन करेगा, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? नगर सेवक नहीं है आप लोगों के यहाँ पर तो है, स्थानीय नगर सेवक। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक देखिए आपके सामने, आप देख सकते हो कोई है क्या? सब गायब है। ये कर रहे तो 10-10 हज़ार रुपये बीएमसी लोन किस बात का दे रही है हाथ गाड़ी वालों को? नहीं, ये गलत हो रहा है सर, दादागिरी है, गलत हो रहा है, हर धंधे वालों के साथ, हर गरीब के साथ गलत हो रहा है। नगर सेवक नहीं आप लोगों के? अरे सब कोई मतलब के नहीं है, वो गलत हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए था ये सब। पब्लिक कहाँ जाएंगी बेचारे, अपने पहले ही लॉकडाउन में सब इतने परेशान है, अभी थोड़ा बहुत खुल गया, थोड़ा बहुत पब्लिक बेच रही, तो उनको बेचने दो सुकून से, थोड़ा खाने तो दो, ऐसे भी मारेंगे वैसे भी मार डालेंगे, कहने तो सबको एक साथ जहर दे के मार डालो सबको, जाने दो, बात ख़त्म ही कर दा रहती। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है सर, गरीबों के पेट पर लात मारे जा रहे हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना के महामारी में हर इंसान परेशान है, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करता है, और सारे काम धंधे फैक्ट्री कंपनी बंद है, कोई आदमी नौकरी रोजगार नहीं पा रहा है, कहाँ कैसे घर चलाएगा। खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, परेशान है हर इंसान, परेशान है हर आदमी, सोचता है कि अपना घर कैसे चलाया जाए। ये कोरोना के महामारी में इतना लोगों को सताया जा रहा है कोरोना के नाम से, मार्केट पूरी मार्केट तबाह कर दी है, सब्जी भाजी सब तबाह हो गई है, कोई भी सब्जी भाजी अपना बेच नहीं सकता है, इतना बेकार हो गया है, गाड़ियां साड़ी तोड़ दी गई हैं। तो महानगर पालिका ऐसा कहना है कि उन्हें शिकायत थी लोगों की, स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि यहां पर आने जाने में जो एक तकलीफें होती है, उन शिकायतों को देखते हुए कार्रवाई की गई। सर ठीक है, शिकायत के देख कार्रवाई की गई है, पर उनको एक अस्थायी जगह दिया जाए जहाँ से वो लोग अपना कारोबार कर सके।
जैसे इस जगह से कोई परेशानी है तो उनको एक साइड में बोल के किया जाए कि हाँ भाई अपना अपना धंधा साइड में लगाएं, क्योंकि कोरोना महामारी में हर इंसान परेशान है। पेट पालने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं, फैक्ट्री नहीं चालू है, कोई कारोबार नहीं चालू है। ये जो कार्रवाई हो रही है, कि कार्रवाई होने से पहले आप लोगों को किसी प्रकार की सूचना दी गई थी, आप लोगों को कुछ बताया गया था? जी सर, नहीं बोला गया था, मतलब इन लोगों ने डायरेक्ट आकर कार्रवाई, कुछ भी नहीं बोला गया सर। अगर बोला जाता तो हर आदमी सतर्क हो जाता, अपना अपना सामान बचा के रखता, अपना अपना धंधा रोजगार जो भी है। हर इंसान को भाई देखो इस टाइम पर 100 रुपया भी बहुत बड़ी बात है कमाना आज की डेट में, और यहाँ लाखों के तादाद में नुकसान हो रहा है। सारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, धंधे सारे लोगों के बर्बाद कर दिए गए हैं। तो तोड़ रहे, आपको तोड़ने के आदेश है क्या? आपको तोड़ने के आदेश है क्या? आधे तोड़ने के किसके कहने पे हो रही है कार्रवाई? अरे यादव साहब, ये जो आप हाथ गाड़ी तोड़ रहे हैं, क्या आपको तोड़ने के आदेश है क्या? हाथ गाड़ी आप तोड़ सकते हैं क्या? यादव साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार की कार्रवाई है? हाँ यादव साहब, ये कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई है? मेरे साहब को जाके पूछो। किससे? कमिश्नर साहब से। क्या 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 किस प्रकार की कार्रवाई? आप वहाँ पर जाके पूछो यार। नहीं नहीं, आप बताइए ना, क्या तोड़ने के आपको आदेश दिए है क्या? इनके हाथ गाड़े तोड़ने हैं, इनके ठेले तोड़ने हैं, किस प्रकार के आदेश है आपको? गाड़ी खाली है, ये हाथगाड़ों को तोड़ा जा रहा है, किसके आदेश पे तोड़ा जा रहा है? किसके आदेश पे तोड़ा है? तोड़ने का आपको आदेश है क्या? आपको बोला गया है क्या हाथगाड़े तोड़ने हैं? आ जादू साहब, जादू साहब बताइए, किसके कहने पर ही आप तोड़ा ये कार्रवाई कर रहे हैं? देखा आपने कि किस तरह से गरीब हॉकरों का यहाँ पर नुकसान किया गया है, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। लॉकडाउन की मार झेल रहे, किसी तरह से ये अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को ये उभारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महानगर पालिका का इस क्रूरता भरा चेहरा देखने के बाद में कई सवाल खड़े होते हैं कि यह महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ इन गरीबों का नुकसान का भरपाई कर पाएंगे? क्या उनके ही आदेश पर ये तोड़ने के आदेश दिए गए हैं? क्या उनके कहने पर ही मनपा के अधिकारी जो कह रहे हैं कि मनपा आयुक्त ने ही उन्हें आदेश दिए हैं कि इनके हाथ गाड़ों को तोड़ दिया जाए, लिखित में कहीं पर कोई आदेश नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि हर हॉकर्स को 10,000 रुपये देने की बात कहने वाले स्थानीय नगर सेवक जिन्होंने अपनी दुकान काफ़ी चमकाई थी, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो मौके पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं है। सवाल मनपा अधिकारियों पर भी उठते हैं, क्या उनकी ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? मनपा आयुक्त की ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।